पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संभल जिले में दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले सनकी चाकूबाज को पुलिस ने आखिरकार 18 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस और जनता के लिए सिरदर्द बना चाकूबाज महल रोटी के लिए वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोर्ट पूर्वी निवासी बैंक कारोबारी अनिल कुमार टंडन की पत्नी वंदना टंडन को 4 मई को चाकूबाज हमलावर ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चाकू से गला काट दिया था। वहीं इससे पहले 27 अप्रैल को इसी मोहल्ले के रामबाबू के 10 वर्षीय बेटे शिवम को भी चाकूबाज हमलावर ने हमला कर घायल कर दिया था। चाकूबाज हमलावर द्वारा लगातार 2 वारदातों का अंजाम दिए जाने के बाद शहर में चाकूबाज हमलावर की ऐसी दहशत फैल गई थी कि महिलाएं दिन भर घरों के दरवाजे बंद रखने लगी। स्कूली बच्चों को भी परिजन छुट्टी होने पर घर लेकर आते थे। चाकूबाज हमलावर को पकड़ने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने चमनसराय निवासी चाकूबाज हमलावर आजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी आजम ने बताया कि वे नशे का आदी है। बीते 6 माह से वे नशे की गोलियां खाता है। पुलिस पूछताछ में आरोपी आजम ने बताया कि 27 अप्रैल की दोपहर वे घर लौट रहा था। इसी बीच उसने खाने का टिफिन लेकर जा रहे किशोर से खाने का टिफिन मांगा, लेकिन किशोर ने खाने का टिफिन देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर उसने किशोर को जान से मारने के लिए चाकू से पेट में कई बार कर दिए थे। वही 4 मई को घर में घुसकर महिला का गला काटने वाली बात पर भी उसने बताया कि भूख लगने पर उसने महिला से रोटी मांगी, लेकिन जब उसे रोटी नहीं मिली तो महिला का चाकू से गला काट दिया। फिलहाल पुलिस ने रोटी के लिए हैवान बने शातिर चाकूबाज को गिरफ्तार कर चालान करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया है। ये जनपद संभल के संभल थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी 27 अप्रैल को। एक बच्चा था, वो अपने दुकान से घर आया था और वहाँ से खाने लेकर के वापस घर दुकान पे जा रहा था। इसी बीच में एक शख्स उसको मिला, रास्ते में खड़ा हुआ था। वहाँ पे कुछ बंदर थे, जिसको देख करके वो बच्चा डर गया और उसने उस शख्स से कहा कि मुझे ये बंदरों से बचा करके रास्ता पार करा दीजिए, चूँकि मैं अपने साथियों का खाना लेकर के दुकान पर जा रहा हूँ। उस शख्स ने उसका बच्चे को वहाँ बंदरों से बचा करके आगे रास्ता पार करा दिया और उसके बाद वो उससे बच्चे से रोटी मांगने लगा कि चूँकि खाना लेके जा रहे हो तो इसमें से हमें भी रोटी दे दो। उसने कहा कि नहीं, हम अपने साथियों का खाना लेकर के जा रहे हैं और हम आपको नहीं दे पाएंगे। इतने में ही उस शख्स ने उस बच्चे पे वार किया, 2-3 चाकुओं का वार किया, जिससे वो बच्चा घायल हो गया और बाद में उसको पुलिस और जनता मिल करके हॉस्पिटल ले गए। इसी क्रम में एक हफ्ते बाद एक घटना और हुई। एक जो चमनसराय एरिया है, वहाँ का ये शख्स रहने वाला है, उसी एरिया से आते हुए एक महिला के घर में एक आदमी घुसा और उसने चाकू से वार करके उस महिला को घायल कर दिया। जब इसमें पूरी पुलिस टीम, हमारी 3-4 टीमें लगाई गई और ये व्यक्ति पकड़ा गया, तो ये आजम नाम का व्यक्ति है, ये पकड़ा गया। इसने पूरा बताया कि चूंकि ये एक जगह श्रीलंका होम्योपैथी स्टोर है, वहाँ उसके बगल में एक सिलाई मशीन बनाने का काम करता था और वहाँ पे ये रहता था। उसको मिर्गी का दौरा पड़ने लगा था और उसके बाद जब इसने इलाज कराया तो इसी बीच में इसमें पेट में इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में इसकी कुछ इंटेस्टाइन निकाल दी गई और उसके बाद ये काफ़ी दर्द में रहने लगा। जब ये दवा के साथ साथ धीरे धीरे कुछ ड्रग्स की गोलियां भी लेने लगा, नशे का धीरे धीरे आदि हो गया, तो जहां ये पहले काम करता था वहां से इसको निकाल दिया गया। फिर ये चूंकि पैसे के लिए परेशान था, खाने का था नहीं इसको, तो फिर ये एक जो हमारा कचहरी है उसके पास में भी एक सिलाई मशीन बनाने का जगह है, वहाँ पर ये काम करना शुरू कर दिया। वहाँ भी इसको मिर्गी का दौरा आता था और ये ड्रग्स ले रहा था, तो इसलिए वहाँ से भी निकाल दिया गया। फिर ये इसी तरीके से खलियर घूम रहा था परेशान हालत में और जगह जगह जब भी इसको कोई मौका मिलता था कहीं से भी छिनैती करने का तो ये कर लेता था। उसके बाद उस दिन पहली घटना वाले दिन इसने बच्चे से रोटी मांगी और उसके बाद इसने ना मिलने पर स्टैबिंग कर दिया। अगले शनिवार को, इत्तेफाक से दोनों घटना शनिवार के दिन हुई, अगले शनिवार को भी ये अपने दवा लेकर के आ रहा था तो जिस रास्ते से वापस गुजर रहा था इसने कई दरवाजे को खटखटाया, वो सारे दरवाजे बंद थे। इत्तेफाक से एक महिला का दरवाजा खुला हुआ था, वहाँ से ये घर के अंदर घुस गया। वहाँ वो किचन की तरफ गया, खोजते हुए किचन की तरफ गया, महिला अकेले ही वहाँ किचन में थी और वहाँ पर पहुँचते ही महिला ने पूछा कि ये कौन है, कैसे घुसाया। इतना सुनते ही इसने महिला पे चाकू से वार करना शुरू कर दिया, उसके गर्दन पे, उसके सिर पे कई सारे वार किए और महिला ने प्रतिवाद किया। इसी चक्कर में ये वहाँ से घबरा करके भाग गया। फिर पुलिस की सरगर्मी बढ़ी तो इसने रिवील किया, बताया है कि लगातार चूंकि पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई थी, सादे वस्त्रों में भी तमाम पुलिस वाले घूम रहे थे, वर्दी में भी घूम रहे थे, तो इससे ये काफ़ी दिन तक छुपा रहा। फिर पुलिस ने जाल बिछाया और उसमें ये पकड़ा गया है। अब विधि कार्रवाई की जा रही है।